हेलो गाइस, तो आज मैं आपको केदारनाथ यात्रा पे लेके चल रहा हूँ और मैं आपके साथ वो हर चीज़ शेयर करूँगा जो मैंने केदारनाथ यात्रा में किया, कि मैंने कैसे कंप्लीट किया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, मैं केदारनाथ धाम तक कैसे पहुँचा, वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। तो हम लोगों ने एक मिनी बस बुक किया हुआ था जो कि ऋषिकेश से हमें सोनप्रयाग तक लेके आया था, और वही सेम बस हम लोगों ने रिटर्न के लिए बुक किया था जो हमें सोनप्रयाग से फिर ऋषिकेश लेके जाएगा। तो फिर हम लोगों ने ऋषिकेश से बस पकड़ा और फिर सोनप्रयाग के लिए हम लोग निकल गए। तो बीच में हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, जैसे कि सबसे पहले हम लोग देवप्रयाग रुके जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल के गंगा नदी बनती है। लोगों को लगता है कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। गंगा, भागीरथी और अलकनंदा मिल के फिर एक सिंगल नदी होती है, फिर वहाँ से उनका नाम गंगा पड़ता है। इसके बाद हम लोग अपने होटल पहुँचे। होटल का नाम था देवधाम जो कि सोनप्रयाग में है। हम लोगों ने पहले से ही बुक किया हुआ था तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई चेक इन करने के लिए। इसके बाद हम लोगों ने की लिया और चेक इन किया, और फिर हम अपना सारा सामान रखने के बाद सुबह का तैयारी करने लगे, जो कि हमें सुबह 4 बजे बाबा केदारनाथ यात्रा के लिए निकलना था। तो इसलिए हम लोगों ने पूरा स्टार्ट कर दिया, अपना जो भी लगेज था, जो भी हम लोग को सामान लेना था, जो भी कपड़े रखने थे, गर्म कपड़े रखने थे, सब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद जो रूम था गाइस बहुत ही अच्छा था, और बाथरूम जो था वो भी काफ़ी क्लीन था, तो बहुत ही अच्छा लगा ये देख के। फिर इसके बाद हम लोगों ने अपना रात का डिनर करने के बाद सो गए और फिर सुबह यात्रा के लिए निकल गए। फिर सुबह हम लोगों ने तकरीबन 3 बजे उठा, हम लोगों ने नहाया, फिर वहाँ पे चाय नाश्ता किया, फिर इसके बाद 4 बजे हम लोग वहाँ से, इसके बाद हम लोग गौरी कुंड के लिए निकल गए। काफ़ी अंधेरा था, हम लोग ने फिर टॉर्च भी लिया हुआ था तो रास्ता क्लियर दिख रहा था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ था गाइस। और फिर यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कपूर, जो कि अगर आप टॉप पे जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो इसको स्मेल करने से आपका जो ब्रीदिंग रहता है वो नॉर्मल हो जाती है। तो सब लोगों ने अपने जेब में रखा ताकि अगर उनको ब्रीदिंग कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। फिर वहाँ पे हम लोगों ने जाके लाइन लगाया। लाइन देख के मुझे लगा कि बाप रे बाप, कितने लोग आ गए हैं मतलब बाबा के दर्शन के लिए। तो हमें लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा एक घंटे में लाइन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 4 बजे हम लोग लाइन लगाए थे। फिर इसके बाद 4:30 5 बजे हम लोग को लगा अभी ख़त्म होगा, अभी ख़त्म होगा, लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की लाइन लगी थी गाइस। फिर इसके बाद धीरे 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 लाइन बढ़ती रही, और हम लोग बीच बीच में जैसे कोई चाय वाला आ रहा था या फिर कोई नाश्ते वाला आ रहा था तो बीच में ऐसे चाय नाश्ता कर रहे थे। तो फिर इसके बाद हम लोग ब्रिज तक पहुंच गए जो हमें टेम्पो में लेके गौरी कुंड तक लेके जाएगा। फिर इसके बाद वहाँ पे भी टेम्पो के लिए भी गाइस लाइन लगा था। ऐसा नहीं है कि आप रैंडम जाके किसी भी गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं, वहाँ पे पुलिस लगी थी, आर्मी लगी हुई थी, सबको नंबर वाइज भेज रहे थे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगा है सिर्फ गाड़ी पकड़ने के लिए। फिर इसके बाद हम लोग ने ब्रिज क्रॉस किया, फिर इसके बाद हम लोग पहुँचे टेम्पो के लिए, फिर वहाँ से हम लोग ने गाड़ी पकड़ा, फिर हम लोग गौरी कुंड के लिए निकल गए। गौरी कुंड के जो ब्रिज से गौरी कुंड का जो रास्ता है तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का है, तो कम से कम हमें 15 से 20 मिनट लगा वहाँ तक पहुँचने में। इसके बाद हम लोग 10 से 15-20 मिनट के बाद हम लोग गौरी कुंड पहुँच गए। फिर गौ जहाँ पे हम लोग को उतारा वहाँ से तकरीबन कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर गौरी कुंड का रास्ता था। फिर इसके बाद हम लोग वहाँ से हमारा पैदल यात्रा स्टार्ट हो गया। बाबा केदारनाथ का हम लोग जयकारा लगाए और भोले बाबा से बोले कि हे भोलेनाथ, आप अपना कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना ताकि हम ये ट्रिक ईजिली कम्प्लीट कर पाएँ। फिर इसके बाद हम लोग ने ट्रिक स्टार्ट कर लिया। ठंडी काफ़ी था तो जहाँ जहाँ पे हमें अलाव दिख रहा था तो हम लोग वहाँ पे अपना हाथ सेक रहे थे ताकि जो हाथ में अकड़न थी वो नॉर्मल हो पाए। फिर वहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट किया। फिर हमें तो सबसे बुरी बात ये लग रहा था कि वहाँ पे भीड़ इतना ज़्यादा था कि चलने के लिए मुश्किल हो जा रहा था। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कितना भीड़ है, तो
फिर भी हम लोगों ने धीरे धीरे कर करके अपना यात्रा चालू किया। यहाँ पे एक घोड़े की मौत हो गई है। आप जैसा कि इन लोगों को देख सकते हैं, इन लोग को मतलब रहम नहीं है। अगर हट्टे कट्टे हैं चल के जा सकते हैं, देख रहे हैं आप, लेकिन फिर भी इन लोग को अकल नहीं आती है। घोड़े मरे पड़े हैं। एक बार का तो हमारा जो ग्रुप है वो हमसे बिछड़ ही गया। कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, कोई स्लो चल रहा है, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा परेशानी हो रहा था। लेकिन फिर भी हमें पता था कि हम लोग ऊपर चल के मिलने ही वाले हैं, तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं थी। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो खच्चर होते हैं उनको ऐसा गुड़ खिलाया जाता है, क्योंकि गुड़ एक मीठा होता है, तो जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जी हो बूस्ट हो जाती है। लेकिन इनको खाना नहीं खिलाया जाता, तो इनसे इतना काम लिया जाता है कि बेचारे एकदम परेशान हो जाते हैं। फिर हम लोग पहुँचे बर्फ़ में, जहाँ पे बर्फ़ गिर रहा था। तो जीवन में मैंने पहली बार गिरते हुए बर्फ़ देखा था, उसे महसूस किया था। तो काफ़ी मैं ज़्यादा प्रसन्न था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि बर्फ़ देखने मिला और गिरते हुए फील किया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ठंडी बहुत लग रही थी गाइस, तो ऐसा नहीं है, फिर भी हम इतना कपड़ा पहनने के बावजूद बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। जय बाबा केदारनाथ। बाबा मैंने सुना था आपका बुलावा था, आपने मुझे बुलाया, लो मैं आ गया आपके दर्शन के लिए। जय भोलेनाथ। 12 से 13 घंटा चलने के बाद आखिरकार हम लोग बाबा केदारनाथ पहुंच ही गए। क्या बस कैसा लगा बाबा केदारनाथ का दर्शन करके? गुड गुड जॉब ज्योति, गुड जॉब। ये हम लोग का छोटा स्टोर जो मंगाया था, और ये है मक्का, और वो भाई मैगी निकाल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे मैगी बना रहे हैं, खाना वाना कुछ नहीं खाएंगे, ये मैगी खा के सो जाएंगे। मस्त जगह। क्या बना रहे हो मुन्ना भैया? बर्फ वाली मैगी भैया। कहाँ से बर्फ मिली? मैगी बन के रेडी हो चुका है, इसको एंजॉय कर रहे हैं। लो भाई मैगी एंजॉय करो, गर्मा गर्म मैगी। और भाई साहब कैसा है? ये हमारे दोनों भाई हैं, मैगी एंजॉय कर रहे हैं। अभी सो रही है, सुबह के 5 बजे रहे हैं, पब्लिक अभी सो रही है। इन लोगों ने बोला था कि 5 बजे उठेंगे और जाएंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। -5 डिग्री सेल्सियस है यहाँ का टेम्परेचर बाबा केदारनाथ में सुबह 5 बजे का। भाई जैसा देख रहे हैं आप, पूरा मौसम बर्फ से ढका हुआ है पूरा। ये देख रहे हैं, ये रहा हम लोग का टेंट, जो जिसमें हम लोग रात में रुके थे, पूरा बर्फ से ढक गया है। क्या अद्भुत नज़ारा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। जब हम लोग सुबह उठ के बाबा के दर्शन के लिए आए तो इतना भीड़ था, तो मैं तो देख के हैरान रह गया कि यहाँ तक लोग इतना आ कैसे सकते हैं। फिर मैंने सोचा बाबा का सब आशीर्वाद है, बाबा जिसको बुलाते हैं वही आता है बाबा केदारनाथ दर्शन के लिए। गाइस इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जो वहाँ का फीलिंग था, जो हैप्पीनेस था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ।
मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैं भी यही चाहूँगा कि आप भी एक बार जाइए और बाबा केदारनाथ का दर्शन करके आइए, तो आपको वो चीज़ पता चलेगा जो मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने बाबा के बीच में बैठ के थोड़ा सा बातचीत किया कि लाइफ में क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, हमें किसके पीछे भागना चाहिए किसके पीछे नहीं भागना चाहिए। तो सब बाबा अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे। कोई बोल रहा था कि अपना मन भक्ति में लगाओ, कोई बोलता है दान पुण्य में लगाओ, कोई बोलता है कि अध्यात्म की ओर अपना जीवन लेके जाओ। तो सबके अपने अपने ओपिनियन थे, तो सबकी बातें हम लोगों ने सुनी और जो अच्छी बातें थी वो अपने पास रख दी, जो नहीं थी बस भोले बाबा से यही बोला कि हे भोलेनाथ कृपा हमें अपना आशीर्वाद अपने हमारे ऊपर बनाए रखें, ताकि हमें जीवन में सद्बुद्धि और जो भी हमारा हेल्थ से रिलेटेड इशू है उसको ठीक करें। फिर इसके बाद हम लोगों ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति जो वहाँ पे मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था वहाँ पे गए। बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, बहुत ही भव्य लगता है, वो भी देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगा। दर्शन कर लेने के बाद हम लोग ने प्लान बनाया कि अब हम लोग नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग ने वहाँ पे पिक क्लिक किया, फिर ग्रुप सेल्फी ली, फिर इसके बाद हम लोग उतरना स्टार्ट कर दिए। जब हम लोग वापस गौरीकुंड पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि सब लोग उतर रहे थे और जाने वाले की संख्या कम थी। तो जो भी श्रद्धालु उतर के आए हुए थे वो सब नीचे ही खड़े थे, क्योंकि सब लोग गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि गौरीकुंड से फिर से सोनप्रयाग के लिए वही सेम गाड़ी पकड़ना था जैसे हम लोग सुबह आए थे। तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी गाइस, और भी डबल लाइन। तो हम लोग ने क्या जुगाड़ निकाला, हम लोग एकदम लाइन तोड़ के एकदम आगे गए और ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर कम से कम बहुत लंबी लाइन लगी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जुगाड़ ये निकाला कि लाइन तोड़ के आगे आए और थोड़ा सा ड्राइवर से बात किया कि हम लोग 8 लोग हैं तो आप 100-300 रुपया एक्स्ट्रा ले लो और हमें यहाँ पुल तक ब्रिज तक छोड़ दो। जैसा कि उन्होंने फिर मान गए और फिर हमें ब्रिज तक छोड़ दिया। तो गाइस सब लोग इतना ज़्यादा थके हुए थे यात्रा करके कि सब लोग रात में आते ही सब सो गए, किसी ने खाना तक भी नहीं खाया। तो फिर जब मैं सुबह उठा सबको उठा रहा था लेकिन फिर भी कोई नहीं उठ रहा था। फिर हम लोग चोपटा के लिए निकल गए जो कि बाबा तुंगनाथ और चंद्रशिला हम लोग को जाना था। तो चंद्रशिला और बाबा तुंगनाथ का स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।